सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल द मॉम स्पॉट बाय ज्योति। सो गाइस, नाउ माय 7 month इज रनिंग एंड अब मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी। मैं जब भी खाना खाती हूँ ना तो मुझे थोड़ी थोड़ा थोड़ा खाना पड़ता है एंड मुझे बहुत जल्दी जल्दी भूख लगने लगती है। तो जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तब मुझे स्पेशली इतनी ज़ोरों की भूख लगी होती है कि बस ऐसा लगता है कि कुछ मिल जाए फटाक से मैं खा लूँ। तो इसके लिए ना मैं आज बनाने वाली हूँ रागी के लड्डू। रागी को नाचनी भी बोलते हैं आई थिंक महाराष्ट्र में। रागी के लड्डू बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं एंड सुबह सुबह अगर आपने एक लड्डू खा लिया ना तो आराम से आपकी भूख मिट जाती है। तो चलो, आज मैं वो लड्डू बनाने वाली हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उस लड्डू की रेसिपी आप सबके साथ में भी शेयर करूँ। फिर चलो किचन में चलते फटाफट से, जहाँ पे होंगी आपके साथ बहुत सारी बातें, यहाँ पे मैं आपके साथ लड्डू की रेसिपी भी शेयर करूँगी एंड फटाफट से आप लोगों के साथ में बनाऊँगी रागी के हेल्दी लड्डू। तो लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए थोड़े से बादाम, तो ये तकरीबन 1 पाव के जितने बादाम हैं, 1 पाव जितने ही यहाँ पे ये काजू भी मैंने ले लिए हैं एंड ये 50 ग्राम के जितने मैंने मखाने ले लिए हैं, थोड़ी सी इलायची ताकि लड्डू में फ्लेवर अच्छा आए एंड ये है रागी का आटा। तो ये मैंने ना तकरीबन आधा किलो जितना रागी का आटा ले लिया है। लड्डू को बनाने के लिए घी तो चाहिए तो ये मैंने घी ले लिया, जितना घी लगेगा उसके हिसाब से हम यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस, रागी के जो लड्डू होते हैं वो कई डिफरेंट तरीके से आप बना सकते हो, इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ऐसे ही बनाने हैं। तो रागी के लड्डू को आप शक्कर के साथ बना सकते हो, जैगरी के साथ बना सकते हो एंड इफ़ यू वांट तो रागी के लड्डू को आप खजूर के साथ में भी बना सकते हो। अभी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं जैगरी एंड गुड़ दोनों अवॉइड करी क्योंकि वो थोड़े से गर्म होते हैं एंड अभी वेदर भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो मैं लड्डू बनाऊंगी शक्कर के साथ में, बट मैं शक्कर काफ़ी कम यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने अब थोड़ा मीठा खाने के लिए बोला है कि थोड़ा सा कम करो ताकि जो लास्ट ट्रांजिशन उसमें ये डायबिटीज़ वगैरह के कुछ इश्यूज़ ना हो, शुगर ना बढ़ जाए। तो मैं थोड़ा कम शुगर के साथ में लड्डू बनाने वाली हूँ। आप अगर प्रेगनेंट नहीं हो, नॉर्मल हेल्दी खाने के लिए बना रहे हो, विंटर के लिए बना रहे हो, तो आप किसी के साथ में भी बना सकते हो। आप जैगरी के साथ बना लो, खजूर के साथ तो ये सबसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं क्योंकि इसमें आप बिल्कुल भी शुगर यूज़ नहीं करने वाले हो। तो आप अपनी विश के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। रागी के लड्डू जो जनरली बनते हैं ना, वो सिर्फ रागी के आटा, घी एंड शक्कर या गुड़ यूज़ करके बनते हैं, बट मैं इसे थोड़ा और हेल्दी बनाने के लिए इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल रही हूँ। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स में कूट के भी डाल सकते हो छोटे छोटे पीसेस में, चाहो तो आप इसे ग्राइंड करके डाल सकते हो, कम्प्लीटली आपका चॉइस है। तो चलो रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने जो लड्डू बनाए थे, जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी ड्राई फ्रूट्स वाले, उसमें मैंने पहले ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था घी में, उसके बाद ग्राइंड किया था। बट आज मैं ना काजू और बादाम को पहले पीसने वाली हूँ एंड बाद में उन्हें घी में रोस्ट करने वाली हूँ, लाइक उनके आटे को। तो अभी मैं सबसे पहले घी डाल के इसमें सबसे पहले सिर्फ जो मखाने हैं उनको रोस्ट करूँगी क्योंकि मखानों को ऐसे पीसना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पहले मैं मखानों को अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। तो मखानों को आपको घी में ना 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करना है ताकि अच्छे क्रिस्पी हो जाएं। उसके बाद ना आप जब इसे मिक्सर में ग्राइंड करो तो इजीली ग्राइंड हो जाए मिक्सर में। तो अभी मैंने मिक्सर के जार में ना काजू और बादाम दोनों को एक साथ डाल दिया है ग्राइंड करने के लिए। साथ में मैंने इसमें इलायची भी छील के डाल दी ताकि वो भी एक साथ ही ग्राइंड हो जाए। तो चलो मैं पहले इसको फटाफट से ना पल्स पे पीसूंगी, एक साथ पीसूंगी तो वो एकदम चिपचिप हो जाता है, ऑयल छोड़ देता है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसे पीसती जाऊँगी मैं, एकदम बारीक करना भी ज़रूरी नहीं है, थोड़ा हल्का दरदरा रह गया तो भी चल जाएगा। तो यू कैन सी ये अच्छे तरीके से पीस गया, थोड़े थोड़े आपको पीसेस दिखेंगे बट इतना चलता है, हम आराम से इससे लड्डू बना पाएंगे। एंड यहाँ पे मेरे जो मखाने हैं वो भी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं तो इसे निकाल लेती हूँ मैं एंड फटाफट से इसको ना थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। तो मैंने कढ़ाई में काफ़ी सारा घी ले लिया है एंड अब इसमें मैं डालूँगी रागी का आटा। घी में डाल दिया है रागी का आटा एंड अब इसको हम लो फ्लेम पे रख के एकदम अच्छे से रोस्ट करने वाले हैं जब तक कि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। अगर आपको लग रहा है कि आटे को भूनते टाइम उसमें गुठलियाँ जैसी बन रही हैं, क्योंकि ये आटा थोड़ा सा ना अलग क्वालिटी का होता है, जनरली गेहूं के आटे जैसा नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हो उसकी गुठलियों को बीच बीच में ना जो पोटैटो मैशर वगैरह होता है उससे फोड़ सकते हो। तो इसमें बीच बीच में थोड़ा घी और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा घी अभी इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो मैं इसे थोड़ा सा भूनूंगी एंड उसके बाद वापस से इसमें घी ऐड करूंगी। चलो इसे मैं कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ती हूँ एंड ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स पीस के लिए थे इन्हें मैं मिक्सर से निकाल लेती हूँ।
तो ये हमारा एकदम बढ़िया सा ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर तैयार हो गया है। ये भी ऑलमोस्ट कटोरा भर के तैयार हो गया है। एंड अब ये जो मैंने मखाने लिए थे ना, ये ठंडे हो गए हैं, तो इन्हें भी मैं मिक्सर में डाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी। ये मखाना जो था ये भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये देखो आप, बहुत अच्छे से एकदम ग्राइंड हो गया है मखाना भी। एंड इतनी सारी जो ड्राई फ्रूट्स है ना, उनको डालने का एक मेन यही रीज़न है कि लड्डू जो है वो काफ़ी हेल्दी बने, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको हेल्दी हेल्दी चीज़ें खानी होती हैं। सो आई एम प्रेफरिंग कि सिर्फ रागी के लड्डू बनाने से अच्छा मैं उसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लेती हूँ, तो उस बहाने मेरे को ड्राई फ्रूट्स खाने का भी हो जाएगा एंड साथ में मैं लड्डू भी खा लूँगी एंड मेरी भूख जो है वो भी मिट जाएगी। तो अभी मैंने इसमें और घी डाल दिया है एंड अब और घी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एंड भूनते जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत लगती है वाला लड्डू बनाने में आपको, क्योंकि रागी को भूनने में ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखो आप, इसकी गुटलियाँ वगैरह भी बन रही हैं, तो इसको भी आपको चम्मच से या मैशर से फोड़ते जाना पड़ेगा। तो गाइस, अभी ना आटे में से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है, बट मैं इसे 2 से 4 मिनट और भूनूंगी ताकि एकदम अच्छे से रोस्ट हो जाए एंड कहीं भी ऐसा ना लगे कि थोड़ा सा कच्चा रह गया है। एंड अभी इसमें थोड़ा घी ऐड करना और बाकी है, क्योंकि ये जो रागी के लड्डू हैं ये ज़्यादा घी में बनते हैं एंड एनी हाउ लड्डू को बाइंड करने के लिए आपको घी की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो चलो इसे 2 से 4 मिनट और रोस्ट करती हूँ एंड उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सारे जो मैंने ग्राइंड किए हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं ना, वो इसमें ऐड कर दूँगी। मैं अखरोट को पीसना भूल गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है, तो अभी मैंने अखरोट ले लिए हैं। अखरोट को भी मैं थोड़ा सा पहले ना मिक्सर में ग्राइंड कर लेती हूँ एंड फिर उसके बाद इसको भी आटे के साथ में ही भून लूँगी। नाउ यू गाइस कैन सी कि आटा जो है उसका कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले वो एकदम थोड़ा व्हाइटिश शेड में था, बट अभी इस तरीके से ना हल्का सा मरूनी शेड में हो रहा है कन्वर्ट। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लग गई है। तो बस अभी मैं क्या करूँगी, जो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड करके लिए थे ना, वो सब इसमें ऐड कर दूँगी एंड इन्हें भी साथ में रोस्ट कर लूँगी। मैंने जो अखरोट पीस के लिया था उसको भी मैं इसमें मिला दे रही हूँ। बस अब इसे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे एंड इसमें थोड़ा थोड़ा सा घी और ऐड करना है एंड बस इसको अच्छे तरीके से भूनना है। तो अभी मैं इसमें और घी ऐड कर रही हूँ एंड बस उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। तो अभी ये ऑलमोस्ट अच्छे से पूरा रोस्ट हो गया है, तो इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ ग्राइंड की हुई शुगर। You can use anything as per your convenience. Jaggery is very good, khajur is very good. बस इसे शुगर डाल के मिक्स करेंगे एंड फिर 1-2 मिनट में गैस के फ्लेम को ऑफ कर लूँगी। तो बस ये ऑलमोस्ट तैयार है, गैस के फ्लेम को कर रही हूँ मैं ऑफ। इसमें थोड़ा थोड़ा सा घी ऐड करती जाऊँगी एंड बस इसको गरम गरम में ही बांधना है, क्योंकि अगर ये ठंडे हो गए ना तो ये बंधेंगे नहीं। तो गाइस बस ये हमारा जो मिक्सचर है लड्डू का वो कम्प्लीटली रेडी है। मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ा, वरना हाथ एकदम जलने वाले हैं एंड मैंने अपने हेयर्स को फाइनली टाई कर लिया, जो मुझे बहुत देर पहले करना था, क्योंकि अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो चलो बस अब ये एक्चुअली अभी भी गर्म है थोड़ा थोड़ा, तो बस इनको इस तरीके से हाथ में लेना है एंड इनके आपको लड्डू बनाते जाने हैं। तो बस आपको इसको इस तरीके से हाथ में लेके इससे ना गोल गोल लड्डू बनाते जाने हैं। एंड यू कैन सी आवर लड्डू इज रेडी। तो गाइस दिस इज माय लड्डू, फाइनली इट्स डन। तो ये कुछ इस तरीके के कलर में दिखते हैं रागी के जो लड्डू होते हैं। आई नो शेप थोड़े इधर उधर हो गए हैं, बिकॉज दिस इज द सेकंड टाइम आई एम मेकिंग द लड्डू। फर्स्ट लड्डू जो मैंने बनाए थे वो ड्राई फ्रूट लड्डू थे एंड दिस इज द सेकंड टाइम इन माई लाइफ जो मैंने लड्डू बनाए। इसके पहले मैंने लड्डू कभी भी नहीं बनाए, मम्मा की थोड़ी बहुत हेल्प कराई थी कभी शादी के पहले, बट खुद इंडिविजुअली पूरी सब प्रोसेस करके लड्डू मैंने कभी नहीं बनाए। सो दिस इज माई लड्डू रेडी। यू कैन ईट दिस हेल्दी लड्डू इन प्रेगनेंसी, ये बहुत अच्छे हैं। मॉर्निंग में आप एक लड्डू खा लोगे तो आपकी भूख थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी, रात में कभी और टाइम पे भूख लगे तो आप ये लड्डू खा सकते हो। तो दीज आर वेरी हेल्दी एंड वेरी टेस्टी लड्डू। सो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप लोग भी अपनी प्रेगनेंसी में इस लड्डू को ट्राई करो। इवन इफ यू आर नॉट प्रेगनेंट, ठंड वगैरह के सीजन में आप अपने लिए अपने छोटे बच्चों के लिए भी लड्डू बना सकते हो, तो ये बच्चों के लिए एक हेल्दी ऑप्शन भी हो जाएगा, मीठा है तो उनको पसंद भी आएगा।
सो गाइज दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो. आई एम वेरी टायर्ड नाउ आफ्टर मेकिंग ऑल दीज लड्डू. मेरे हाथ भी थोड़े थोड़े जल गए क्योंकि लड्डू का जो मिक्सचर था वो काफ़ी गर्म था. तो चलो बस दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक दी वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दिन वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो. डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो हम जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल. बाय, टेक केयर, सी यू सून.